और मेरे पास टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी से 25 तारीख का फोन आया सुबह करीब 11 बजे, और उस फोन में ये बताया गया कि आपका 2 घंटे में फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अगर डिसकंटिन्यू करनी है सर्विस तो 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात करो। मैं 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात की तो उसने बताया कि मेरा आधार नंबर यूज करके किसी ने मुंबई में एक मोबाइल नंबर लिया जिससे वो कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक हरासमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन कुछ कर रहा है, और उस नंबर के अगेंस्ट में FIR हो गई है। और उसने जो अल्टरनेटिव नंबर जो है वो मेरा ये नंबर दिया है जिस नंबर पे टेलीफोन रेगुलेटरी का फोन आया। तो मैंने कहा सर ये तो मैं तो मुंबई तो 20 साल से गया नहीं, मैं तो कर नहीं सकता। कहता है ये पिछले अगस्त में उसने फोन नंबर निकाला है और आधार नंबर भी आपका यूज़ किया है। तो मैंने उसको डिटेल दी, मैंने कहा मुंबई गए मेरे को 20 साल हो गए, मेरे वहाँ कुछ लेन देना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो, मैं मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहा हूँ, उनसे बात करो। मुंबई पुलिस से कनेक्ट किया तो वो लोग मेरे से थोड़े जोर जबरदस्ती से बात की, उन्होंने वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप पे, कहता आप गलत काम करते हो ये वो ऐसा वैसा है करके थोड़ी जोर जोर से बोला उन्होंने। मैंने कहा भाई मैं तो पिछले 3 महीने से घर में ही हूँ, 3 साल से घर में ही हूँ, रिटायरमेंट ले रखा है, और मैं मुंबई गए मेरे को तो 20 साल हो गए, मेरा मुंबई का कुछ लेनेदार में नहीं है, कभी कोई ऑफिशियल टूर से 2-4 दिन के लिए होंगे, अलावा उसका मेरा कुछ लेना नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तो आपका नाम भी कैसा है, कि मैं हो सकता है आधार नंबर कहीं से लीक हो गया होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हमारे साइबर सेल में बात कीजिए। तो उन्होंने साइबर सेल में कनेक्ट किया, साइबर सेल वालों ने कहा, उन्होंने सारी डिटेल फिर दोबारा सुनी, FIR नंबर और मेरा अल्टरनेट नंबर जो दिया वो सब सुना। फिर हम अपने सिस्टम में चेक किया, चेक करके बताया आपका ऐसा कुछ है। उसके बाद भी बताया कि आपके अगेंस्ट में कोई मनी लॉन्ड्री का भी कोई केस पड़ा हुआ RBI का। मैंने कहा सर मेरे को तो मनी लॉन्ड्री का कुछ पता नहीं है। कहता नहीं नहीं वो एक मनी लॉन्ड्री का केस है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपके प्रॉपर्टी वगैरह चीज़ हो जाएगी, वो शुरू कर दिया उन्होंने। वो मैं तो बहुत डर गया और कहता कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप कल को अरेस्ट हो जाएंगे, आपकी फैमिली को थ्रेट हो जाएगा। इस तरह करके उन्होंने पूरा 25 तारीख पूरी निकाल दी। फिर 26 तारीख को भी यही सब कार्यक्रम चलता रहा और रात पूरे ये सारा एक्सटॉर्शन का केस करीब 5 दिन चला। 5 दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस मेरे को मॉनिटर किया 24 घंटे। वो लोग अपनी ड्यूटी चेंज करते रहते थे, 24 घंटे मॉनिटर करते थे। फिर वो 26 तारीख को एक CBI ऑफिसर आगे इन्वॉल्व हो गए, वो रादर 25 तारीख को आ गए थे, 25 तारीख थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर 26 तारीख को सुबह सुबह आ गए। फिर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, कहते ऐसा है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस वगैरह हो गया। मैंने कहा सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को फाइनेंस वगैरह कोई नॉलेज नहीं, मैं कहा सर मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा, मैं तो नौकरी करता हूँ और अपना वही फंड है मेरा। कहता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग में आपका केस है, वहाँ पर आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मनी का फंड वगैरह है। मैंने कहा फंड आता तो मेरे को दिखता ना। कहता आपको दिखा नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी आपके अकाउंट में नहीं आया, कहीं आपके दूसरे वगैरह कहीं और आया होगा, बैंक मैनेजर ने इधर उधर कर दिया। मैंने कहा वहाँ बैंक मैनेजर से बात करें। तो कहता वही बात करने के लिए आपको हमको सपोर्ट चाहिए होगा कि कौन बैंक मैनेजर इन्वॉल्व है और किसने आपके फंड में दिखे पैसा दिखे बिना ही उस एक्सटॉर्शन के मनी को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहता आप हमारे साथ हो, हमारे देशभक्त हो और CBI को सपोर्ट करो। इस तरह से उन्होंने भाषण देना शुरू किया और कहता है किसी को बताना मत, आपकी लाइफ को भी थ्रेट है और आपकी फैमिली की लाइफ को भी थ्रेट हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप एक काम करो, इस सबसे बचना है तो आपको अपना सारा फंड हमको देना पड़ेगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखवाई उन्होंने, फिर RBI से लेटर आया कि आप अगर अपना सारा फंड देने को तैयार हैं तो हम सारा फंड ले लेंगे, उसको चेक करेंगे और 24 घंटे बाद में आपको वापस दे देंगे। तो फंड लेने के लिए उन्होंने 3 दिन तक मेरे से करीबन 11 चेक बनवाए जिसमें 1,84,50,000 रुपये का फंड ट्रांसफर हुआ। कल प्रार्थी श्री नरेश बेरवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक फोन आया था हमारे पास में कि आपके विरुद्ध कोई जांच चल रही है और उसका निस्तारण करना है, और उसमें ये भय में आकर इन्होंने अपने नंबर दिए और उसी नंबरों के आधार पर इनके 14 जो है अलग अलग चेक थे, उस चेक के मार्फत उन्होंने 1,84,50,000 करीब रुपए उसके अज्ञात व्यक्तियों के खाते में जमा करा दिए, जिस पर बड़ा फ्रॉड हुआ और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया जिसकी जांच की जा रही है।